माइक्रेम आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए माइक्रेम से एक कलरफुल बैग लेके आई हूँ। आई होप आप सभी को ये बैग अच्छी लगेगी और अगर आपको मेरी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैंने इस बैग का जो बेल्ट है जो दिखाया है, वो मैंने लास्ट टाइम एक बेल्ट का सिर्फ वीडियो अपलोड किया था, वही बेल्ट मैंने इस बैग में यूज़ किया है। और अगर कोई नया सब्सक्राइबर हो तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जो मैंने बेल्ट इस बैग में यूज़ किया है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें माइक्रम बैग बनाने के लिए चाहिए माइक्रम। मैंने यहाँ पे ढेर सारे कलर लिए हैं। फ्रेंड्स, हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत हमारा माइक्रम बच जाता है, तो वो हम यूज़ नहीं कर पाते, तो ऐसे बचे हुए जो माइक्रम है उससे मैं ये बैग बनाने जा रही हूँ। इससे भी पहले मैंने एक पेन होल्डर और एक क्लच मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आज मैं फिर से मल्टी कलर ही बैग बनाने जा रही हूँ, लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ और उसे मैं यूज़ करूँगी। ये बेल्ट ये मैंने ऑलरेडी बनाए है, इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि ये बेल्ट किस तरह से बनाते हैं, वो मैंने डिटेल वीडियो डाला है। तो जो हमारी बैग हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह की रिंग, इस तरह की हमें चार रिंग चाहिए, एक इंच की रिंग है। और बीट्स, आप कोई भी यहाँ पे बीट्स यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने बीट्स यूज़ किए वो रेयरली मिलते हैं, हर जगह पर नहीं मिलेंगे, तो आप आपके अनुसार, चॉइस अनुसार आप यहाँ पे बीट्स यूज़ कीजिए और जो कलर का आप बेल्ट बनाना चाहते हैं उस कलर का माइक्रेम, और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है और यहाँ पे जितने भी मैंने बैग के लिए कॉर्ड यूज़ किए हैं वो सारे कॉर्ड हमारे 4 मीटर के हैं। तो मैंने 4 मीटर का एक कॉर्ड लिया है सिंगल और इसे इस तरह से डबल किया है, ठीक इसी तरह से और एक कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। टाइटली नॉट लगा देंगे और इसे खींच देंगे इस तरह से। तो ये दो कॉर्ड हमारे अटैच हो गए और इस तरह से ये एक नॉट यहाँ पे बन के रेडी है। तो हमें सारे कॉर्ड को इसी तरह से अटैच करना है। मैं और एक आपको बताती हूँ, इसे इस तरह से डबल कर लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे, जैसे कि हम सिंपल नॉट लगाते हैं उसी तरह से। और इसे टाइट कर देंगे, धीरे से नीचे खींचेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये अटैच हो गया। तो इसी तरह से हमें सारे कॉर्ड नॉट लगा लेने हैं। जो मेरे पास कॉर्ड है ये मैंने सारे कट कर लिए हैं, 4-4 मीटर के सारे कट कर लिए हैं। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा थे तो मैंने इस पे से एक कलर के 4-4 कॉर्ड कट किए हैं और कुछ कम है तो उससे मैंने 2-2 कॉर्ड कट किए हैं। इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड कट कर लिए हैं।
देखे इस तरह से सारे कॉर्ड जो है मैंने नॉट लगा लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे जॉइन किस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें चार कॉर्ड मिलते हैं और यहाँ पे चार, तो ये साइड वाले दो और इस साइड वाले ये दो, इस तरह से ये चार हम कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। हमें आगे जॉइन करते हुए जाना है, तो मैंने यहाँ पे और एक नॉट वाला कॉर्ड लिया है और इसे हम यहाँ पे जॉइन कर देंगे। तो इसी तरह से हमें सारे कॉर्ड अटैच कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे कॉर्ड इसे अटैच कर लिए हैं। ये जो हमने नॉट पहले बनाया था, तो इस नॉट में हमें दो 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 कॉर्ड लगे, दो कॉर्ड को मिला के एक नॉट बनता है। तो इस तरह से अगर नॉट काउंट करें तो ये 36 नॉट है और टोटल जो कॉर्ड है वो 72 कॉर्ड है। इसमें मैंने जो यूज़ किए वो 72 कॉर्ड है और सारे मेरे 4 मीटर के कॉर्ड है, सिंगल 4 मीटर के कॉर्ड है। अगर आपको बैग की जो चौड़ाई हो और बड़ी चाहिए होगी तो आप इसमें और कॉर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने नॉट बनाकर ऐड किया है उसी तरह से हमें ऐड करना है। और अगर छोटी बनानी है तो आप इसे इसमें से कॉर्ड कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमने बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे जॉइन किस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कॉर्ड बचे हैं और ये जो इसका जो एंड है यहाँ से भी दो कॉर्ड बचे हैं, तो ये दो कॉर्ड मिला के, मतलब ये चार कॉर्ड मिला के हम यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सर्कल बनके रेडी है बैग के लिए। तो अब हम फिर से यहाँ पे सिंपल नॉट की लाइन स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। अटैच किया था तो ये एक लाइन तो बन गई, और जो हमने ये नॉट को एक दूसरे में अटैच किया तो ये हमारी सेकेंड लाइन बन गई। और मैंने थर्ड एक लाइन पूरी कंप्लीट नॉट लगा ली है, पूरा राउंड सर्कल, और उसके बाद में हमें बेल्ट लगाना है। मैं आपको बता देती हूँ कि बैग बनाने से पहले आप प्लीज़ बेल्ट बना लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी रेडी था तो मैंने बताया नहीं है, डायरेक्ट मैं बैग पर आई हूँ। लेकिन आप अगर बैग बनाते हो तो सबसे पहले बेल्ट बना लीजिए, क्योंकि हमें बेल्ट बैग में स्टार्टिंग में ही इसे अटैच करना पड़ता है बेल्ट, तो इसलिए पहले बेल्ट बना लीजिए। तो मैंने एक साइड से ये बेल्ट लगा लिया है, दूसरी साइड से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे लगाना है। और ये जो बेल्ट है मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से बताती हूँ कि इसका जो डिटेल वीडियो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है पहले, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे देखकर ये बेल्ट बना सकते हैं।
तो पहले हम बैग को डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे रेड वाला कॉर्नर आता है और यहाँ पे ये रेड वाला, और बीच में जो कॉर्ड बचते हैं उनमें से मैंने ये फर्स्ट यहाँ का छोड़ दिया है, और ये देखिए ये दो सेकंड दो कॉर्ड है, सॉरी नॉट है, इनमें से ये मिडल वाले यहाँ पे देखिए दो नॉट है, तो इनमें से मिडल वाले चार कॉर्ड लेंगे। मैंने बेल्ट साइड साइड में लगाया है, बीच में मतलब ज्यादा बीच में नहीं लगाया है, साइड में लगाया तो अच्छा दिखता है ये, इसलिए मैंने साइड में थोड़ा लगाया है। तो जो सेंटर हमने निकाला है उससे साइड में मैंने एक नॉट छोड़ के फिर जो दो नॉट आते हैं उनके बीच वाले में कॉर्ड लूंगी चार। और ये जो हमारा बेल्ट है इसकी ये रिंग जो है इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जो हमने चार कॉर्ड ये सिलेक्ट की है इसे इसके ऊपर से इस तरह से डालेंगे टाइटली, और दो बार इसे इस तरह से रैप कर लेंगे। दूसरी रिंग हमें इस साइड में अटैच करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नॉट छोड़ के दो नॉट के बीच की जो कॉर्ड लेकर इस रिंग को अटैच किया था, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ से भी करना है। तो ये रेड वाला हमारा सेंटर है, उससे उसके बाजू में हमने ये ग्रे वाला कॉर्ड छोड़ दिया, और उसके बाद जो ब्लैक सॉरी कॉफी और वाइट जो नॉट है इनके बीच के कॉर्ड लेंगे। ठीक इसी तरह से यहां से भी हम इस रिंग को अटैच कर लेंगे। अटैच हो गई है। अब जो मिडल वाले मतलब जो अब रिंग के बाजू में जो गैप होते हैं वहाँ पे हम फिर से नॉट लगा के एक लाइन कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दो नॉट के बीच में हमने इस कॉर्ड को लेके रिंग को अटैच किया था, तो बाकी के अब देखिए यहाँ पे दो नॉट है और बीच में कॉर्ड बचे हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल नॉट लगाना, और इसी तरह से दो नॉट के बीच में जो गैप है वहां पे सिंपल नॉट लगाते हुए ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। अगर आपको इस बैग में साइड बेल्ट चाहिए तो उसका भी मतलब मैंने इससे पहले भी एक बैग डाली थी, उसमें मैंने मिडल बेल्ट और साइड बेल्ट दोनों डाले हैं, और साइड बेल्ट के मैंने और दो बैग भी डाले हैं, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको साइड बेल्ट चाहिए तो आप वहाँ पे देखकर भी साइड बेल्ट लगा सकते हैं, और अगर आपको साइड बेल्ट लगाना है तो जो हमने यहाँ पे साइड में जो सेंटर निकाला है वहाँ पे हमें रिंग अटैच करनी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे रिंग अटैच की है उसी तरह से साइड में भी हमें दो रिंग अटैच करनी होगी, उसके बाद में जो हम बेल्ट बनाते हैं वो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इससे भी पहले वीडियो में वो दिखाया है, तो आप वो वीडियो देख कर बना सकते हैं। तो रिंग के साइड में जो नॉट की लाइन थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, और उसके नीचे मैंने और एक नॉट की लाइन दे दी है पूरे। अब जो है हमें दो दो नॉट के बीच में एक नॉट लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है। देखिए यहाँ पे वाइट और कॉफी कलर के दो नॉट है, उसके बीच वाले चार कॉर्ड को लेके हमें यहाँ पे एक नॉट लगाना है। Thank you.
तो इसी तरह से दो नॉट के बीच में सिंपल नॉट, एक दो नॉट के बीच में एक नॉट, इस तरह से हमें ये ट्रायंगल बना के पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। और उसके बाद हमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं, हमारे इस तरह से ब्लॉक बनेंगे कलरफुल, जितने हमने कलर यहाँ पे यूज़ किए हैं तो सारे कलर इस तरह से दिखेंगे हमारे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से इसे बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। आप ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये स्टार्टिंग ही है। आप ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे करके रखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ आप इसी तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमने दो नॉट के बीच में नॉट लगाया तो इस तरह से ट्रायंगल बन जाता है। तो हमारा एक ब्लॉक यहाँ पे बन गया है। तो देखिए यहाँ पे चार कॉर्ड बजते हैं और दूसरा जो ट्रायंगल है इसके हाफ, मतलब इस ट्रायंगल के हाफ और इस ट्रायंगल के हाफ कॉर्ड, चार कॉर्ड हमें लेने हैं। तो टोटल हमारे पास आठ कॉर्ड आ जाते हैं। तो ये जो हमारे ऑरेंज कॉर्ड है इसके ऊपर व्हाइट वाला कॉर्ड इस तरह से रखेंगे और इसे पाइपिंग करेंगे। तो एक लाइन हो गई, फिर से यहाँ से सेकेंड कॉर्ड लेंगे वाइट वाला, तो फिर से पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। थर्ड कॉर्ड, तो ये ब्लॉक बन गया हमारा। अब इसे हम नीचे से फिंगर डालते हुए इस तरह से ऊपर करेंगे और ये जो हमारे व्हाइट कॉर्ड इस साइड में आ गए हैं उसे लेकर हम यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाएंगे। इसे थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करके हमें नॉट लगाना है। ऐसा करने से इसे इस तरह से शेप आ जाता है और अच्छे से टाइट नॉट लगाना है। और जो यहाँ पे ऑरेंज कॉर्ड जो हमारे आते हैं उसे भी लेकर हमें यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लॉक बन जाता है। मैं आपको और एक ब्लॉक दिखाती हूँ। Thank you.
फ्रेंड, जैसे कि मैंने ये आपको ब्लॉक बताया है, उसी तरह से हमें पूरा सर्कल इसी तरह से ब्लॉक बनाने हैं। और मैं आपको नीचे की तरफ ब्लॉक किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। जैसे कि देखिए, ये इस तरह से ब्लॉक है, तो जो नीचे का मैंने है वो इस तरह से बनाया है, इसके अपोजिट मैंने ये बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे वाइट और ग्रीन दो कलर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो ब्लॉक के बीच में मैंने एक ब्लॉक बनाया है, तो ऊपर से जो हमारा ये लाइट ग्रीन कलर इस ग्रीन कलर के अंदर से जो आया था वो ब्लॉक यहाँ पे बना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऑरेंज बनाया है, तो ऑरेंज के अंदर ये लाइट सॉरी ये वाइट कलर अंदर से आया है, तो जो हमारा नीचे का ब्लॉक है वो वाइट कलर का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ग्रीन और वाइट हमारे पास दो कलर है, तो ग्रीन कलर को वाइट के ऊपर से रखेंगे इस तरह से। सेम उसी तरह से ब्लॉक बनाने हैं जैसे कि हमने ऊपर बनाए हैं, सिर्फ हमें अपोजिट साइड में ये ब्लॉक बनाने हैं। जैसे हमने इस तरह से बनाया, अब हम इस तरह से बनाएंगे। नीचे का कुछ ब्लॉक इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ब्लू पर हमने और येलो कलर डाला है, तो ये अंदर से जो ब्लू कलर आता है, तो यहाँ नीचे पे नीचे जो ब्लॉक बनेगा वो ब्लू ही बनेगा। तो हम ऑरेंज को इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकेंड लाइन में जिस तरह से ब्लॉक बनाना है, किस तरह से ब्लॉक बनाना है, तो ये इसी तरह से ब्लॉक सेकेंड लाइन भी कंटिन्यू हमें राउंड पूरा सर्कल करना है। और जैसे कि हमने ऊपर किया था, वैसे हमें थर्ड लाइन में करना है, तो यही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। और जितने हमारी बैक की हमें हाइट चाहिए वहाँ तक हमें यही प्रोसीजर रिपीट करते हुए हाइट बनानी है बैक की। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी हाइट यहाँ तक बना ली है। ये जो ब्लॉक्स की लाइन है वो मैंने 9 लाइन तक ये ब्लॉक्स बनाए हैं, तो मुझे इतने हाइट इसकी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ तक इसे बनाया है। आप चाहे तो इसकी हाइट और भी बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। और जैसे कि हम ब्लॉक बनने के बाद यहाँ नीचे नॉट लगाते हैं और इस साइड में भी नॉट लगाते हैं, तो ऑलरेडी इसे जिगजैग में नॉट आते जाते हैं एक लाइन, तो उसके बाद में सिंपल नॉट की हम और एक लाइन यहाँ से लगा लेंगे, तो ये पूरा लेवल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, तो यहाँ से हम इसका सेंटर साइड सेंटर निकालेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमारी ये जो दो बेल्ट है, तो यहाँ पे देखिए ये साइड सेंटर आया रेड कॉर्ड का, तो यहाँ से हम इसका साइड सेंटर निकालेंगे। तो ये जो नॉट है ये हमें सेंटर में मिलता है,
तो देखिए ये नॉट हमें सेंटर में मिलता है, तो इससे इसके आगे 3 नॉट तक हम कॉर्ड ले लेंगे और इस साइड में भी 3 नॉट तक हम कॉर्ड ले लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमने 7 नॉट लिए हैं। अब हम इनके बीच बीच में नॉट लगाएंगे, जैसे कि ये 2 नॉट है तो इसके बीच में नॉट लगाएंगे और इस तरह से हमें ये ट्रायंगल बनाना है। देखिए ऊपर हमने सेंटर निकाला था और इसके इस साइड में 3 और इस साइड में 3, तो टोटल हमें ऊपर 7 नॉट मिले थे। उसके बाद में हमने ये जो लाइन लगाई है इसमें हमें 6 नॉट मिले हैं। अब हम यहाँ फिर से कम करते हुए अब हम 5 नॉट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने ये ट्रायंगल कर लिया। पहले हमारे नॉट की लेंथ 7 थी, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से ये हमें पूरा ट्रायंगल बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बनाया है। देखिए तो देखिए यहाँ पे जो हमने सेंटर निकाल के 3 नॉट जो लिए थे, तो ये 3 नॉट मतलब ये टोटल 7 नॉट लेके हमने ये ट्रायंगल बनाया। तो जो हमारा यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉर्ड है नॉट है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसे हम छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट वाला जो नॉट है वहाँ से सेम यहाँ पे भी उसी तरह से ये जो 7वां वाला हमारा नॉट है इसे छोड़ देंगे पूरा और उसके नेक्स्ट वाला जो नॉट है वहाँ से यहाँ तक हमें ये लेना है। और जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये 7 लाइन तक नॉट लगाए हैं, मतलब जो लाइन है वो 7 है, तो हमें यहाँ पे भी 7 लाइन तक नॉट लगाने हैं। लेकिन इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे 2-2 कॉर्ड छोड़ते हुए इसे ट्रायंगल बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रायंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे 1 तक ट्रायंगल नहीं बनेगा, 7 लाइन तक हमें इसे बनाना है। तो 2 नॉट के बीच में नॉट लगाएंगे, 2 कॉर्ड छोड़ देंगे। ऑलरेडी 2 नॉट 2 कॉर्ड हमने छोड़ दिए। अब नेक्स्ट लाइन के लिए भी हम फिर से 2 कॉर्ड यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर से नॉट स्टार्ट करेंगे। तो ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी। अब हम फिर से यहाँ से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और फिर से यहाँ से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे।
ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, फिर से दो कॉर्ड छोड़ देंगे और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन तक मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ से भी उसी तरह से ट्रायंगल बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मैंने चारों साइड से नॉट लगा लिए है, साइड में मैंने ट्रायंगल लगाया है और यहाँ पे इस तरह से 7 लाइन तक मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है। और उसके बाद मैंने ये बैग जो है उसे उल्टा कर दिया है, ये उल्टी साइड है। अब हम बैग को इस तरह से स्टैंड करेंगे। और देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है छोटा वाला, और ये जो हमने बड़ा वाला जो बनाया था साइड वाला, तो इसे हम पहले अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कोने की तरफ। तो देखिए यहाँ पे कोने में हमें पर्पल कलर के 4 कॉर्ड मिलते हैं। सबसे कॉर्नर में इसे लेके हम यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा देंगे। नॉट हमें टाइटली लगाना है और ये जो हमने नॉट लगाया है उस कॉर्ड को हम छोड़ देंगे। उसके साइड वाले कॉर्ड को लेंगे, जो हमने पर्पल लिया था उसके साइड में ही जो कॉर्ड आता है उसे लेंगे दोनों साइड से, और एक एक कॉर्ड लेके इसे छोड़ देंगे। उसके साइड वाला जो कॉर्ड आता है उसे लेंगे, और जो मिडल वाला तो हमारा यही, तो इनको मिला के हम फिर से नॉट लगाएंगे। नॉट जो है वो बहुत ही टाइट लगाना है, गैप नहीं रहना चाहिए। फिर से उसे छोड़ देंगे और उसके साइड वाला जो कॉर्ड है उसे भी छोड़ देंगे। इसी तरह से हम नॉट लगाते जाएंगे। तो देखिए ये जो ट्रायंगल हमने छोटा बनाया था उसका ये लास्ट नॉट है, और जो हमने यहाँ पे ये जो लाइन 7 बनाई थी उसका यहाँ का कोने का जो नॉट है, तो उसके 2 कॉर्ड आने चाहिए और इसके भी 2 कॉर्ड आने चाहिए। अगर आपके 2-2 कॉर्ड आ गए ठीक से तो परफेक्ट आपने किया है, या फिर कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा कॉर्ड। तो इस तरह से एक हमने ये कोना यहाँ पे अटैच किया है, इसी तरह से हमें बाकी कोने भी करने हैं। और उसके बाद देखिए ये जो हमने छोड़े हुए कॉर्ड थे इनको हम मिडल में लेंगे, और जितने भी हमने छोड़ दिए थे कॉर्ड उनको लेके फिर से हमें नॉट लगाना है और इसे डबल लॉक करना है इस तरह से।
ये जो कॉर्ड है इससे नीचे का नॉट हमने लगाया था तो इसे छोड़ देंगे, और जो नीचे हमने छोड़ दिए थे कॉर्ड ऐसे ही उन कॉर्ड को लेके हम यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं। इसे ये डबल लॉक होता है और कुछ गैप नहीं रहता है। देखिए ये इस तरह से डबल लॉक हो जाएगा। तो जैसे कि हमने ये एक कोना यहाँ पे लॉक कर लिया है, उसी तरह से हमें बाकी साइड से भी करना है। जैसे कि ये देखिए, ये हमने 7 लाइन तक किया है और ये हमारा जो ट्रायंगल था उसका दूसरा कोना है, तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से लॉक कर लेंगे जैसे कि हमने ये किया था। और ठीक इसी तरह से इस दूसरे साइड से भी हमें यहाँ पे इस तरह से लॉक करना है। तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था डबल लॉक, उसी तरह से मैंने चारों कॉर्नर किए हैं। और जैसे मैंने ये कॉर्नर डबल लॉक किए हैं, उसी तरह से बीच वाला जो पोर्शन है इसे भी मैंने किया है। और बाकी जो बचे हुए कॉर्ड है वो 1-1 इंच के डिस्टेंस पर हम कट कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा जलाकर स्टिक कर देंगे। आप इसे स्टिक भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी जलाकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है बैक की जो लाइनिंग है वो आ जाएगी तो ये सारा हाइड हो जाएगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा जलाकर भी हम छोड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा जलाकर छोड़ दिया है। कुछ स्टिक हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे अंदर से इनर आ जाएगी। और इसका जो नीचे का तल है इसे मैंने थोड़ा ब्रॉड रखा है क्योंकि इसे थोड़ा गोल शेप आ जाए बैक को, इसलिए मैंने इसका जो एंडिंग है नीचे की वो थोड़ी ब्रॉड रखी है। और ये नीचे से इस तरह से फिनिश हो जाएगा। देखिए कितनी फाइन फिनिशिंग आई है इसकी। इसे डबल लॉक कर देते हैं तो इसमें जो गैप होता है वो पूरा भर जाता है, तो इससे ये अच्छे से फाइनली दिखाई देता है। और हमने बैग को सीधा कर लिया है और इस तरह से ये जो हमारी बैग है बनके रेडी है। अब जो है हमें इसे अंदर से इनर लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इनर बना ली है। और इनर पर्स की इनर बनाने के लिए हमें जो इनर का कपड़ा होता है वो लगता है, ये 1/2 मीटर तक हमें कपड़ा लगेगा और 1/2 मीटर तक हमें ये रनर लगेगी और जिप लगेगी 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंदर भी एक पॉकेट बनाया है उसे भी मैंने एक जिप लगाई है। और ये अंदर एक छोटा सा मैंने पॉकेट बनाया है इस तरह से, और ये ऊपर की जिप है। तो इस तरह से ये पॉकेट मैंने बनाया है। मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने ये दिखाया है किस तरह से बनाते हैं। तो अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने बैग के साइज का बनाया है, मतलब जो कपड़ा हम लेते हैं उसे फोल्ड करके उसके ऊपर बैग रख के साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम कट करते हैं। बाद में इसे हम जब स्टिच करते हैं तब ये 1 इंच अंदर चला जाता है, तो ये परफेक्ट बैग के साइज का ही बन जाता है पॉकेट। इसे पहले अच्छे से अंदर डाल देंगे।
जिप का ये जो कोना होता है वो हमारे बैग के कोने के साइड में आना चाहिए इस तरह से, और दूसरा जो होता है वो इस कॉर्नर में आना चाहिए। अगर आपका पॉकेट इसी तरह से अंदर बैठेगा तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे बैग का साइड सेंटर था, तो ये जो जिप है वो यही पे आनी चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बैग जो है वो कलरफुल है तो इसलिए मैंने, आप कोई भी धागा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का धागा यूज़ किया है। और आप जितने अच्छे से इसे स्टिच करेंगे उतनी परफेक्ट पॉकेट अंदर बैठ जाएगा और जिप मूव करेगी अच्छे से, तो इसलिए इसे अच्छे से स्टिच कीजिए। करना ना भूले, तो जल्दी लौटूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।